तो अभी तक नहाए नहीं। अरे हाथ पास सब जल जाते हैं। का कोई ऐसा पता नहीं है गाइस अभी तक। मैंने क्या कहा था आपसे, सब मुझे ही वेट करवाते हैं, मैं किसी को वेट नहीं करवाता। बैठो पार की। ये देखो दोनों कॉफी पकड़ लग के, इसने दोनों पी रही है एक साथ। इसके पीछे लग गया और थोड़ा सा काट रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा काट रहा है, काट रहा है। हाँ तो ऐसे मत करो ना, फिर काट नहीं लगेगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? बारिश हो रही है और आज मैं निकला सोलो राइड पे, बस इधर उधर इधर उधर। बंदे ने गोली दे दी हमें इसे साथ जाना था, तो भाई चलते हैं कहीं पे तो चलेंगे। बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है, मज़े करते हुए चलते हैं अपना। पहले पेट्रोल डलवा लें, हल्की 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 बारिश हो रही है लेकिन मज़ेदार बारिश है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है भाई। जब आप मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी यार गाइस आपसे, अब मेरी फैमिली आती हो, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो ना तो आपकी फिल्म बनाने वाले बहुत होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं, तो मुझे भी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आपका साथ छोड़ने वाले बहुत होते हैं, काफ़ी लोगों ने मेरा भी साथ छोड़ा है, लेकिन ये है मैं डीमोटिवेट हुआ नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा एक दोस्त मेरे साथ है, उसी ने गोली दी है मुझे आज, सो गया वो। मैंने उससे कहा था कि देख मौसम अच्छा हो रहा है, अपन चलेंगे लेपर ट्रायल, लेकिन जाऊंगा उसी के साथ। तो आज बस सोलो राइड करते हैं इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि मौसम के मज़े लेते हैं। अभी बीचते हैं, अभी कीचड़ में गंदी हो जाएगी, इसे धुलवाना भी पड़ेगा। तो भाई अभी हम हैं दरियागंज में, हम जा रहे हैं दरियागंज के पेट्रोल पम्प, पहले इसमें पेट्रोल डलवा लें। पेट्रोल तो है इसमें काफ़ी, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है मैं टंकी खुली रखता हूँ उसमें। और आज हमने जो नया माइक मंगाया था ना गाइस, उसकी भी टेस्टिंग है, अभी देखूँगा रुक के वीडियो में वॉइस कैसी आ रही है कैसी नहीं। भाई यहाँ जब भी आओ यार, जब भी जाम मिलता है दरियागंज वाले रोड पर ना, जब भी आओ। अभी कुछ प्लान नहीं है, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, कुछ भी जगह, कोई भी जगह मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आज लेपर ट्रायल जाना था, अब आने वाले व्लॉग में देखेंगे लेपर ट्रायल का। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा मेरे दिमाग में मैं कहाँ जाऊँ, बस अभी तो हम चल रहे हैं भाई। अब जाके थोड़ा मौसम अच्छा हुआ यार, वरना तो इतनी गर्मी पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। हेलो चाचा पीछे कर लो, लड़ लेना बाद में। भाई ये रिक्शा वाले बहुत पड़ते हैं यार, बहुत इनका पसी चल रहा, भी लोगों को पकड़ के मारे। याद हो गए हम पेट्रोल पंप पे, लाइन काफ़ी लंबी लगी है यार पेट्रोल पंप पे तो गाइस। तो नसीब काम कर गया भाई, हाँ फुल कर दो। नॉर्मल नहीं है क्या? पावर है तो पावर है। इसमें नॉर्मल डलवा कैसे भाई? इसमें नॉर्मल डलवा दो मैंने अभी भाई, कह रहा है पावर डलवा लो, तो पावर डलवा लो फुल। देख लेना ऊपर ना आ जा बिल्कुल, नहीं बस इतने रहने दो, अच्छा लगता है यार। हाँ बस 410 का कर दो। निंजा गाइस, निंजा पे जा रहा है लोंडा। तो भाई पेट्रोल हमने डलवा लिया, अब निकल रहे हैं हम मौसम के मज़े लेने। बारिश थोड़ी सी तेज़ हो रही है, बहुत टाइम बाद बारिश में नहा रहा हूँ गाइस मैं।
यार कैसी चला रहा है गाड़ी यार, कैसी चला रहा है ये आगे वाला भी और ये भी, थोड़ी फलानू है ना साले ये। हमारे साथ भी थोड़ी फलान हो जाता है भाई, जो इस गाड़ी की हैंडलिंग है ना यामा की, बहुत जोरों की हैंडलिंग है, बहुत जोरों की। छोटा सा हैंडल है, कहीं पे भी काट दो अपना 20 का तो बहुत बड़ा हैंडल है, कटिंग मुश्किल हो जाती है इसमें थोड़ी जाम में। भाई अभी गर्मी होती ना हम मर जाते, अरे हाथ पास सब जल जाते भाई। एक भाई मिले थे हाथ हिला रहे थे, मुझे लगा गाड़ी वाले को हिला रहे, लेकिन हिला मुझे रहे थे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम पीछे लिखा हुआ है ना, दैट्स व्हाई। भाई ये कोटला फिरोजशाह स्टेडियम की बैक साइड है, अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम है अब। ना मुझे लगा बंद कर रखा है यहाँ पे, शायद शादी का अरेंजमेंट चल रहा है किसी की, मुझे ऐसा लगा कि बंद कर रखा है, लेकिन बंद है नहीं। और उनका आगे जाना जरा मैं रुक के वॉइस चेक करूँगा कि इस वाले माइक में कैसी वॉइस है, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे बारिश में, क्रिकेट बचपन की याद आ गई इसमें। भाई लेकिन इस जगह पे बड़ा सुकून है भाई, बहुत ज़्यादा सुकून है। ये गंदखाना हो गया बताने, यहाँ पे बहुत लोग पहले शूट करवा देते हैं दीवार पे, क्योंकि इधर कोटला फिरोजशाह आ गया सारा। हम कोटला फिरोजशाह की साइड ही जा रहे हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे बाहर ही, पहले मैं अपनी वॉइस चेक कर लूँ इस वाले माइक से कैसी आ रही है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। बारिश तो रुक गई है गाइस, लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा। मोटो ब्लॉगिंग का मतलब ही यही यार, कहीं पे भी निकल जाऊँ, मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार ये करो वो करो, मैंने यार मोटो ब्लॉगिंग का मतलब यही है, आपको राइड्स करनी है। हम राइडर हैं, हम कहीं पे भी निकल जाएं, कभी भी निकल जाएं, बाकी मेरी गाड़ी की पहली सर्विस हो जाए फिर भारेंगे दिल्ली से बाहर के टूर। तो भाई चेक कर लेते हैं, हम रुक गए यहाँ पे, तो अपन चेक कर लेते हैं वॉइस कैसी आ रही है। भाई बारिश बहुत तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत तेज़। मैंने इस पेड़ के नीचे मैं रुका था वॉइस चेक करने के लिए, वॉइस तो सही आई है, माइक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई, तो अपन को यहीं वेट करना पड़ेगा। और ये देखो तुम्हारा भाई पूरा भीग गया, क्योंकि यहाँ से निकलूँगा तो और भीग जाऊँगा। देखो आप कितनी तेज़ हो रही है बारिश, सब साइड में खड़े हो गए, लगती है यार हमारी 20 क्लासी। हेलमेट भी मेरा पूरा भीग जाएगा। अभी यहीं वेट करते हैं गाइस, क्या करेंगे, जब थोड़ी हल्की होगी तो निकलते हैं, इतने अपनी बाइक धुली रही है। तो भाई रुक गई बारिश, अब निकलते हैं हम, वरना यार भीग जाता मैं बहुत ज़्यादा, भीग तो मैं वैसे ही गया था लेकिन और भीग जाता। मैंने कैमरा भी रख लिया था और वीडियो भी ऑफ कर दी थी, तो हमारी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी रंजना, उसका कॉल आया था, हमारा बहुत टाइम से प्लान बन रहा था, लेकिन यार सब अपने बिजनेस में कोई जॉब में सब लग गए, तो अब सबसे लिंक ख़त्म हो गया था मिलने मिलाने का, बाकी व्हाट्सएप पर बात होती रहती थी, तो अब हम उसी के पास जा रहे हैं रंजना से मिलने, वैसे हम उसे रज्जू कहते हैं। अब इस पर कॉल आया था तो कहने की 15 मिनट में कॉल करती है, तो उसी के पास चलते हैं हम, क्योंकि भाई जब से बिजनेस में लगा हूँ ना यार टाइम ख़त्म हो गया था मिलने का, सबसे लिंक कनेक्शन सब ख़त्म हो गया था, वरना ऐसा दोस्ताना था कि हम डेली ही मिलते थे,
एक दिन ऐसा नहीं जाता था जो हम मिले नहीं। रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, लेकिन जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है थोड़ी फ्रीडम मिली है घूमने घुमाने की, अब घूमना घुमाना लगा ही रहेगा। तो बड़ा गंदा रोड कर दिया यार ये तो, सर्विस लेन है वैसे तो ये, लेकिन बहुत गंदा कर दिया यार बहुत ज़्यादा। भाई मैं यहीं रुक गया, उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, कॉल आएगी तो बताएगी कहाँ पे मिलना है कहाँ पे नहीं, तो उसका यहीं पे वेट करते हैं उसकी कॉल का। पूरा भीग गया मैं, टी शर्ट भी भीगी हुई सब मेरी, मेरा हेलमेट भी भीगा हुआ है पूरा, शूज़ बाइक सब भीगी हुई है। लेकिन ये भी एक अलग एडवेंचर है बारिश में राइड करना, बहुत मज़ा आता है। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही थी तो मज़ा आ गया राइड करके। अब उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, कॉल आ गई। हेलो हेलो, हाँ जी कहाँ है, कहाँ पे हो? तो अभी तक नहाई नहीं? हाँ तो कहाँ पे मिलोगी? घर के बाहर ही? यार मैं रास्ता भूल गया, चल मैं पूछता वहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तो भाई बात हो गई हमारी, हम पहुँचते हैं। वो कह थी कॉल कर लियो पहुँच के, मैंने कहा भाई मैं पहुँच गया, तो भाई चलते हैं और फिर मिलते हैं रज्जो से। तो भाई निकल गए हम यहाँ से और आ गई है जहाँ पे हमने जाना है, रंजना वहीं पे आ रही है। मैं पहले ही आ गया यार, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को इंतज़ार करवाना, बाकी लोग मुझे बहुत इंतज़ार करवाते हैं भाई बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पसंद किसी को इंतज़ार करवाना। अब ये भी मुझे इंतज़ार ही करवाएगी जबकि मैं पहुँच गया। तो भाई यहीं बुलाया था रंजना ने हमें, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, बाकी अब उसको कॉल करके देखते हैं कहाँ रह गई है। भाई रंजना का कोई अता पता नहीं है गाइस अभी तक। मैंने क्या कहा था आपसे, सब मुझे ही वेट करवाते हैं, मैं किसी को वेट नहीं करवाता। भाई अभी तक नहीं आई ये लड़की, अब ये भी नहीं पता मुझे पीछे से आएगी आगे से आएगी। तो लोग मुझे ऐसे देखते जा रहे हैं बस, मैंने बताया ना ब्लॉगर्स की बड़ी फिल्म बनती है, जब तक फेम नहीं मिलता जब तक फिल्म ही बनती है। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना, हमें मोटिवेट होना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें जो करना है हम करेंगे, यही सोच रखनी है और इसी सोच के साथ चलना है। क्योंकि लोगों का काम होता है बस बोलना और लोगों को डीमोटिवेट करना। बहुत मिलते हैं भाई, जब आप यूट्यूब ज्वाइन करोगे तो बहुत मिलते हैं ऐसे। ये रही सामने, दिख गई, आ जाओ भाई, आ गई ये थी सामने से, सा आ रही चलती हुई, लेकिन अब करीब आएगी जब ही दिखेगी। ये सालों से ऐसी है भाई, ये मोटी नहीं होगी तेरी। तो पैदल थोड़ी ना जाएंगे हम, बैठो। बहुत बढ़िया, पतला नहीं, मैं मोटा हो गया। मैं अभी सबको ये बता रहा था कि ये लड़की पतली की पतली है, वहीं की वहीं। ओके वीडियो तो ऑन है, वीडियो तो ऑन है। मैं निकला हुआ सोलो राइड पे मौसम की वजह से। अब तुम बताओ कहाँ चलना है, अब कहाँ चलना है बताओ क्या? हाँ किस चीज़ का? गूगल हेलमेट कहाँ है वैसे? तो भाई लड़की हेलमेट नहीं लगा के आई है और कह रही मयूर विहार चल रहा है, छोड़ देते हैं। हाँ तुम मेरा चला नहीं करवाओगी, यहाँ से आ जाएगा मयूर विहार? नहीं आएगा, नोएडा तो इधर है। तो भाई डिसाइड ये हुआ मयूर विहार जा रहे हैं, ये लड़की हमें मयूर विहार लेके जा रही है। बंद हुआ तो फिर वापस आएंगे हम खाली आके। अब बस चक्कर ये है, ये हेलमेट नहीं लगा के आएगी, बताओ कह रही है कुछ नहीं होता। मैं भी यही बता रहा सबको, मैंने यार ये लड़की पतली की पतली है, बहुत टाइम से ऐसी है, मोटी हुई नहीं पहले भी पागल है भी। नहीं कौन कह रहा है, अभी भी अच्छी हो? अबे हाँ एक बंदा तो देख ही लेगा वो तुम्हें। एक बंदे ने पूरी लाइफ खाली, एक बंदा भी देख लेगा तुम्हें ब्लॉग में। भाई इसको बंदा दिखवा दो कोई,
ब्लॉग तो डलेगा ही अब, उसमें सब बातें भी आएंगी थोड़ी थोड़ी। भाई आगे मामू खड़े हैं, हमें साइड हाथ से रख के खड़े हैं, रोकना पड़ेगा। ये देखो एक को पकड़ लिया, अगर पकड़ लेते ना फुल जबरदस्त चलान था हमारा। हेलमेट था घर में फ्लावर पे। आजा भाई आजा। मयूर यार का तो नीचे सही है, अब हमें लेफ्ट जाना है शायद। वो पार्क भी है यार, इंदौर प्लस इस साइड पार्क है और वहाँ की हमारी स्पॉट है। वो तो बना दिया, वो तो इंदौर प्लस वाला रोड है वो तो। तो मार्केट लग रही है पूरी। अब हम फ्लाईओवर कैसे चढ़े ऊपर का? घूम के फिर चढ़ना पड़ेगा तुमको, पागल हो? यू टर्न लेना पड़ेगा। सीधा सीधा क्यों नहीं चलेगा? मैं तुम्हें बोला था सीधा सीधा जाना है। सीधे का मतलब समझ में नहीं आता। सीधे का मतलब मयूर यार तो नीचे दिखा रहा था ना। बद दिमाग मैं हूँ या तुम हो? घबरा दिया मुझे भी। पता नहीं हम कहाँ गए आज, तुम मेरा चलान भी पक्का ही करवाओगी बेटा। ये नोएडा ही आ गए हम, मयूर यार कह के भाई नोएडा ले आए। बोला था मयूर यार ले आइए नोएडा भाई। तो भाई वी आर इन नोएडा नाउ, अब देखते हैं पीछे बैठ के स्टॉल ढूंढ रही है जहाँ पे उसे जाना था, उसे मिलता ही नहीं था। हो रहा भाई हो रहा, अब हमें यू टर्न लेना पड़ेगा आगे भाई। ये आते में खड़ी ही मिलेगी फिर हमने बहुत गंदे जाम में फंस गए। बोरा बोरा यू टर्न होगा भाई, हैगा आगे यू टर्न। शुक्र बनना इस लड़की ने तो फंसवा दिया था आगे। भाई ये दीदी भी बिना हेलमेट है और हमारे पीछे की लड़की बैठी हुई बिना हेलमेट है, लेकिन हमें पता है ना पकड़ा हमें जाएगा क्योंकि उसके साथ लड़का भी तो बैठा है ना। मैं डर के आगे ही जीते हैं, ये तो आपने सही कहा। तो भाई आने वाली है जहाँ पे लड़की हमें लेके आई है वो डेस्टिनेशन, ये मयूर विहार नहीं है पहली बार, ये नोएडा है। मयूर विहार, मयूर विहार गारंटी आपको। तो भाई वी आर हियर, यहाँ गाड़ी पार्क कर देता हूँ। तो भाई आ गए हम यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको क्योंकि यहाँ बाइक थोड़ी सेफ नहीं है, बोल रही है कि बाइक के पास ही खड़े रहो ज़्यादातर, भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे। और ये है वो स्टॉल, ज़ूम करके दिखा दो। और ये रज्जो लेने गई है कॉफ़ी और मोमोस। मुझे अपनी बाइक के पास ही खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज़ वो कह रही है कि ये जगह थोड़ी सेफ़ नहीं है,
आपका हेलमेट या बाइक में कोई कुछ भी कर सकता है। ये अपनी कॉफ़ी है, लेके आई यार कॉफ़ी बड़ी मेहनत से, हंस के दिखा। अंदर आ गए हम, कौन सा पार्क है ये? ये देखो दोनों कॉफ़ी पकड़ रखी है, दोनों पी रही है एक साथ। करिए वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन यार व्यू बहुत अच्छा है। मयूर विहार कह के नोएडा ले आई, इसको खुद नहीं पता रास्ते, ये नोएडा है। वेलकम टू नोएडा लिखा तो था। हाँ तो चलो भाई वहाँ पे बैठते हैं। भाई हो गई कॉफ़ी ख़त्म, देखो इसने तो अभी तक नहीं पी, इसकी तो बची हुई है अभी तक। इतनी देर में स्लो स्लो बारिश होने वाली है गाइस, मौसम तो ये बता रहा है। अच्छा पार्क है वैसे ये, पागल हम बच्चे हैं जो झूले झूलेंगे, झूले झूलेंगे गाइस। ये देखो इतनी बड़ी हो गई। भाई अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, हमने कॉफ़ी पी लिए, गर्मी बहुत हो गई यहाँ पे इसकी वजह से, ये बंद है ऊपर से, और ये मैडम लेके भी यहाँ पे बैठी, बाहर चल रही थी वहाँ चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। ये एक डॉगी को प्यार करने जा रही है। हाँ लेट जाओ इसके ऊपर। तो चलो भाई चलते हैं, रंजना को ड्रॉप करते हैं उसके घर की तरफ। ये आपसे टाटा नहीं कह रही, डॉगी से कह रही है। भाई ये इसके पीछे लग गया और थोड़ा सा काट रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा काट रहा है, काट रहा है। हाँ तो ऐसे मत करो ना, फिर काटने ही लगेगा। मैं बहुत डरता हूँ भाई कुत्तों से। हाँ प्यार में कभी कभार बिस्किट विस्किट कुछ खिला दो। हाँ मुंह खोल रहा है, इंजेक्शन लगाने पड़ जाएंगे। नहीं 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 मारना नहीं है। भाई अब हम जा रहे हैं रंजना को छोड़ने, कॉफी पी ली और इसने गर्मी लगवा दी कॉफी पिला के, अब हम निकलते हैं रंजना को छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई निकल गए हम रंजना को ड्रॉप करने, तो भाई आ गया यहाँ पे रंजना को, हमें यहीं पे ड्रॉप करना है अंदर। नहीं ना अंदर अंदर छोड़ देता हूँ। तो भाई अब चली जाएगी यहाँ से खुद, क्योंकि इसका घर पास नहीं है। तो चलो हम मिलते हैं फिर, राइड पे चलेंगे पक्का। डर क्यों नहीं, शर्मा क्यों रही है, हंस के दिखा। चलो ठीक है आराम से जाओ, संडे को मिलेंगे और फिर मैं तो घर जल्दी आना। हाँ 8-9 बजे तक आ जाएंगे। तो चलो ठीक है बाय। तो भाई हमने छोड़ दिया रंजना को, अब हम भी अपने घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया बहुत लेट और मुझे जाना है अपनी शॉप पे, फोन आ रहे हैं घर से। तो भाई निकल गया मैं अपने घर की तरफ और वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। भाई मौसम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, मज़ा आ गया मौसम की वजह से। तो भाई वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में गाइस, बाय, टेक केयर।